वार्म अप मैच विद फिजिक्स और आज सीखेंगे पीएन जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर एक पी टाइप वेफर है, एन टाइप वेफर है। पी में मेजॉरिटी कौन होता है बच्चा लोग, होल्स, और एन में मेजॉरिटी कौन होता है इलेक्ट्रॉन। पीएन जंक्शन डायोड का मतलब है पी और एन को मिला दो तो जंक्शन की तरफ के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस साइन वाले होते हैं वो प्लस से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो होल में जाकर के खुद को खत्म कर देता है। इसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि जहां पहले चार्ज हुआ करते थे अभी एक ऐसी जगह बन गई जहां पर आप चार्ज कैरियर्स नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे यहां नहीं है, यहां होल होने चाहिए थे यहां नहीं है, ऐसी लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। हुआ क्या कि जब कोई बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती तो खुद प्लस हो जाती है, इसलिए यहां देखिए प्लस हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गए, और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती तो क्या हो जाती है माइनस, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसलिए वाला सिरा क्या हो गया माइनस। प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहां पर डिस्टेंस है, आप सब जानते हैं ई और डी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बच्चों यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव पोटेंशियल यानी ऊपर की तरफ, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करता है। पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव इधर नहीं आ सकता क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव प्लस इधर नहीं आ सकता रिपेल करेगा, यानी जनरली पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करता है। अगर सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड है तो उसके लिए 0.7 होता है बैरियर, और अगर जर्मेनियम तो उसके लिए 0.3 वोल्टेज होता है। पीएन जंक्शन डायोड कहीं पर भी इसका मतलब समझ जाइए कि 0.7 से ज्यादा अगर आप वोल्टेज देंगे तभी करंट बहेगा, अदरवाइज करंट बहने वाला नहीं है। कैसा लगा बच्चों कमेंट जरूर करना, मिलते हैं अगले वार्म अप मैच के अंदर।